और अगर आपके पास भाई बड़ी वाली मोटी नोटबुक है तो आप भाव कर सकते हो, ठीक है ना। पर स्कूल वाली आपके पास अगर नोटबुक है तो आपके ओनली फॉर ये चैप्टर होंगे, थोड़े बहुत पेज रहेंगे, ज्यादा पेज नहीं रहेंगे उसमें, ग्रामर आपकी कंप्लीट। ग्रामर से कर लो, ठीक है। क्या यस मैम, सेकंड एंड बोलो। संजना यस मैम, हर्षवर्धन प्रेजेंट मैम, प्रियांशी प्रेजेंट मैम, मनीषा, रामनिवास, ईशा प्रेजेंट मैम, त्रिशा प्रेजेंट मैम। आज किसकी बारी है श्लोक दोहे बोलने की? कल त्रिशा ने बोला था, यस मैम, तो आज संजना ने। स्टार्ट, संजना माइक म्यूट। यस मैम, यस मैम, इंट्रोडक्शन में शुरू करना है। यस हर्षवर्धन, कैमरा ऑन। यस यस मैम, बोलो, स्टार्ट करो, टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट करो। यस मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज संजना, आई रीडिंग क्लास 8, टुडे श्लोक विहाय परोशम यो हि देव में वा लंबते, प्रसाद सिंहस्य तस्य मुच्छन् तिष्ठन्ति वायसा, विहाय मोलुकं यो हि प्रसाद विनुष्यन्ति वायसा। थैंक यू। नोटबुक में आप बात कर सकते हैं ना, बताइए अभी आप समझ सकते हैं। संस्कृत में कर रहे हैं बेटा मैम, संस्कृत की ग्रामर की नोटबुक भी अलग बनाए क्या? क्या बोल रहे हो? संस्कृत के ग्रामर की नोटबुक भी अलग बनानी है, क्या बोल रहे हो? हाँ, संस्कृत करवा रहे हैं, ठीक है। आप
वर्ण विचार वर्ण विचार कौन से होते हैं? क्या है वर्ण है उस मूल आपकी आवाज नहीं कट रही है आपकी आवाज अटक अटक के मैम आपके नेटवर्क इशू हो रहा है अब आ रही है अब भी अब आ रही है आवाज यस मैम अब भी नहीं आ रही क्या मैम आ रही मैम अब आ रही है उस कहते हैं जिससे टुकड़े न किए जाते जिसके कभी टुकड़े नहीं कर सकते जैसे मैम आप कभी दिखाई नहीं दे रहा ग ड आदि ये सारे इसी में शामिल होते हैं कचटतप वर्ण सुने कचटतप क्या वर्णमाला अब वर्णमाला किसे कहते हैं वर्णों के समूह को वर्णों का समूह क्या कचटतप क से लगाकर ज्ञ तक समूह है वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है वर्ण के तीन भेद होते हैं पहला स्वर दूसरा दीर्घ तीसरा प्लुत पढ़े है ना सेवेंथ में क्या नहीं मैम स्वर दीर्घ पढ़ा मैं मिलू क्या तीसरा कौन सा है अरे अरे स्वर व्यंजन सॉरी हाँ व्यंजन और प्लुत व्यंजन यहाँ पर अयोग वाह आएगा मैंने ये इसके स्वर के भेद अयोग वाह ठीक है पहला स्वर है जिसको संस्कृत में स्वराह कहते हैं और हिंदी में अपन स्वर कहते हैं ठीक है अब स्वर कितने होते हैं संस्कृत में 13 संस्कृत में स्वर होते हैं स्वरों का उच्चारण इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है स्वतंत्र रूप से होता है अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है जैसे क को पूरा करने में हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है स्वर की आवश्यकता पड़ती है तब ये क के नीचे से अलंत हटके क पूरा बनता है ना क्योंकि वर्णों को क्या आवश्यकता पड़ती है स्वरों की वर्णा वो कंप्लीट नहीं होते हैं लेकिन जो स्वर है उनको किसी की भी जरूरत नहीं है उनको किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं उन्हें स्वर कहते हैं स्वर कौन कौन से हैं अ आ ई ई ये सब क्या है ई ई ऊ री ली ए आई ओ औ ये सब क्या है ये सब स्वर है ठीक है स्वर कितने भेद होते हैं स्वर के तीन भेद होते हैं कौन कौन से होते हैं बताओ
पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। फर्स्ट ह्रस्व स्वर में क्या होता है? ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, ई और री ये शामिल होते हैं, ये पांच होते हैं, ठीक है। इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। इनके उच्चारण में एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है, अन्य किसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। अ की, ई की, उ की, री और ली की एक ही एक मात्रिक भी बोला जाता है, इनको मात्रिक स्वर बोला जाता है। दूसरा है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में, दीर्घ स्वर में सभी दीर्घ ही होंगे, ठीक है ना। आ, बड़ी, बड़ा, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये सब आ, बड़ी, उ, री और आई, ए, आई, ओ, औ, जो इसमें नहीं है वो इसमें होंगे, औ, ये सब ये आठ होते हैं। इनके उच्चारण में दो मात्राओं का प्रयोग होता है, ये दो मात्रिक होते हैं। प्रयोग होता है या दुगुना, इनको बोलने में हमें ज्यादा समय लगता है, जैसे अ ज्यादा समय नहीं लगेगा, आ इसको हम लंबा खींचेंगे ज्यादा समय लगता है, ई छोटी ई को हम बस ई, लेकिन बड़ी ई को बोलने में हम ई थोड़ा मुंह पर जोर लगाएंगे और इनको बोलने में भी ज्यादा समय लगेगा। इसको बोलने में समय ज्यादा लगता है। ए, ओ, आई, आपने ज्यादा गलत लिखा है। अरे हाँ ज्यादा, ए, औ, ई और औ, ओ है ये, ठीक है ना, ओ, ए, ओ, आई और औ, ये भी दीर्घ स्वर के ही उदाहरण है, ठीक है ना, ये दीर्घ स्वर है। ये दो प्रकार के होते हैं, दो स्वर, इनके दो स्वरों के मेल होते हैं, इनमें दो स्वर मिलते हैं, इन सब में चारों में दो दो स्वर मिलते हैं, ठीक है, ये दो स्वर मिलते हैं। पहला अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस बड़ी ई बराबर नहीं, अ प्लस ए बराबर आई और अ प्लस उ बराबर ओ और अ प्लस ओ बराबर औ, ये सब दो दो मिलकर ही ये स्वर बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर प्लूत स्वर, प्लूत स्वर में ऐसा है कि जैसे ये वाला शब्द होता है ना, इसका प्रयोग होता है। देखा है बहुत सारे वर्डों में बहुत सारे शब्द लिखे जाते हैं, उनमें इनका प्रयोग किया जाता है, क्या है, जैसे ओम, ओम हम लिखते हैं तो उसमें ये ऐसे लिखा जाता है, ओम, देखा है ऐसे लिखा हुआ या नहीं? यस मैम। इन स्वरों का इसमें प्रयोग होता है, ठीक है ना, जैसे अ,
ई और ओ वी ओ वी ओ आई ए ओ आई ओ अब इनके सब सब के साथ ये ओ का उच्चारण किया हुआ है, ओ के साथ भी ओ और औ के साथ भी ओ, इन सब के साथ ये जुड़ सकता है। इनके उच्चारण में दो मात्रा से इन इसमें दो का समय लगता है, इसमें एक का समय लगता है, लेकिन फ्लूट में दो मात्रा से अधिक का समय लगता है, अधिक का समय लगता है। तो इसमें क्या कह सकते हैं हम, त्रिमात्रिक भी कहते हैं, इसे हम त्रिमात्रिक भी कह सकते हैं। जैसे ओम इसमें लगा, जो ओम है ओम का अंक तीन मात्राओं का सूचक है, सूचक है मतलब जैसे इसमें ये ज्यादा समय लगता है दो मात्राओं का लगता है, उसी में वैसे ही इसमें भी बोलने में हमें ओम ज्यादा हम लंबा खींचते हैं, तो इससे भी ज्यादा दीर्घ स्वर से ज्यादा प्लुत स्वर में हमें ज्यादा समय लगता है बोलने में। अंडरस्टैंड? यस मैम। नो मैम। समझ में आया यहाँ तक? yes. कल हम आगे वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे, व्यंजन वाला सेकंड पार्ट, ठीक है? आज यहाँ तक काम कंप्लीट कर लेना। yes, ma'am. और कल नोटबुक भी चेक करवानी है, तो टाइम पर सभी नोटबुक चेक करवाने आएंगे, ठीक है? बेटा 8 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं, स्कूल है जैसे 8 बजे स्टार्ट होती है आपकी क्लासेस, उसी के अकॉर्डिंग आना है आप लोगों को, ठीक है? ज्यादा लेट नहीं करना है, 8 से 12 बजे तक चेक होती है, टाइम पे ही आना, फिर टाइम पे वापस घर चले जाना। मैम हमारे तो पहले बस में तो है ना 9:30 लिखा हुआ है, आ सकते हो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? 8 बजे स्कूल ओपन हो जाती है, 8 बजे से आप कभी भी आ सकते हो, 8 बजे से लगाकर 12 बजे तक। त्रिशा और ये बहुत जल्दी आए थे, दिव्यांशी वगैरह नोटबुक चेक करवाने 8 बजे आ गई थे, है ना त्रिशा? सबसे पहले त्रिशा आई थी नोटबुक चेक करवाने, त्रिशा आई थी या बुलबुल आई थी? बुलबुल आई थी आई थिंक। आप लोग भी जल्दी आ जाना, ठीक है? आप लोगों के साथ शायद एक संजना ही आई थी, बाकी नहीं आए, संजना ने नोटबुक चेक करवाई थी, तो सबको नोटबुक चेक करवानी है। हमारी दो क्लास सैटरडे को, क्या हमारी क्लासेस होती है 9 बजे तक? ओके, तो क्लासेस होने के बाद में आप आ जाना, ठीक है? ओके, अभी सब रिमूव हो जाओ। ओके बेटा, वेलकम।